हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आज देखिए, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रेक्टेंगल मतलब आयत। तो आयत से जितना भी क्वेश्चन आपको आता है, बेसिक से लेके जो कंपटीशन लेवल तक आता है, SSCMTS तक, रेलवे तक, जो आज हम लोग देखेंगे एकदम बेसिक तरीका से देखेंगे। तो देखिए, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आयत। आयत में देखिए चार गो भुजा होता है। कितना भुजा होता है? चार गो, और चार कोना होता है और दो विकर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। जैसे देखिए यहाँ पर आप देखिए 90 डिग्री बना, यहाँ पर देखिए चारों कोना पर है जो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें देखिए, इसमें लंबाई और चौड़ाई का ज्यादा महत्व है। देखिए यहाँ पर लंबाई जैसे इधर रहेगा ऐसे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लंबाई बोलेंगे। और जो सामने खड़ा रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चौड़ाई बोलेंगे। अब देखिए इसका पूछता है क्षेत्रफल आता है, परिमाप आता है, विकर्ण, तीन चीज ही आता है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है AB sin थीटा। तो कहिएगा कि सर AB sin थीटा होता है, तो हम लोग पढ़े थे लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए AB sin थीटा को ही लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। जैसे देखिए AB sin थीटा हो गया, तो AB हो गया sin थीटा। sin थीटा, थीटा के जगह पर हम लोग क्या लेंगे? 90 डिग्री लेंगे। तो क्या हो गया? sin 90 के मान क्या होता है? वन होता है, यानी ए गुना बी हो गया, गुना एक हो गया। तो देखिए इसी को तो हम लोग कहते हैं, एक किसको मानेंगे? या तो इसको ए मानेंगे या इसको बी मानेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल बराबर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, इसी को तो एल गुना बी कहते हैं। एल गुना बी, इसी को तो हम लोग एल गुना बी कहते हैं। आपको यहाँ पर देखिए साइन 90 के मान कितना होता है? ओवन होता है, तो ओवन ले लिए। तो क्या हो गया? ए बी गुना ओवन। तो ए इसको लीजिए या बी इसको लीजिए, बात एक है। तो हम लोग यहाँ लंबाई को एल ले लिए हैं, चौड़ाई को बी ले लिए हैं, सेम फार्मूला आ गया। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिमाप। तो आयत के परिमाप बराबर क्या? परिमाप के मतलब क्या होता है? बाउंड्री, यानी चारों तरफ, जो बाउंड्री के चारों तरफ है। तो देखिए परिमाप बराबर हम लोग किसको लेंगे? बाहर वाला को लेंगे। परिमाप के मतलब क्या होता है? घेरा, जो घेरा है उसी को हम लोग क्या लेंगे? परिमाप लेंगे। तो देखिए परिमाप बराबर क्या होगा? 2 × L + B × H। देखिए क्या होता है? 2 × L + B। परिमाप बराबर क्या होता है? लंबाई 2 × L + B। देखिए तो L को जगह हम लोग क्या किए हैं? लंबाई किए हैं। चौड़ाई को किससे डिनोट किए हैं? B से, तो B यहाँ पर है। अब देखिए विकर्ण आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो आपको यहाँ से मिला हुआ है लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए विकर्ण बोलते हैं। तो पूछ रहा विकर्ण बराबर, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो देखिए जितना भी फार्मूला था यहाँ पर हम लोग बनाते चले। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोनों का योग, तो यहाँ पर समझिए। जैसे देखिए आयत के चारों कोनों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। कहिएगा कैसे? देखिए 90 90 90 90, चार बार 90 है, तो 90 × कितना होगा? 4 होगा, तो कितना आएगा? टोटल 360 डिग्री होगा। अब देखिए दिया हुआ है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, माने आयत का जितना चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब भी पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 × L + B × H करेंगे। तो देखिए इतना को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी तो लिखे फार्मूला, परिमाप बराबर क्या होता है? 2 × L + B। तो इसको हम लोग कह सकते हैं परिमाप
गुना एच, एच किसको डिनोट करेगा, ऊंचाई को। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, परिमाप इंटू एच भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। फल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए एरिया, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए अगर हम लोग से लंबाई पूछेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, लंबाई जब भी पूछेगा लंबाई तो क्या करेंगे, एरिया बटा चौड़ाई कर देंगे, यानी क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, लंबाई का मान निकलेगा। अगर चौड़ाई का मान पूछ देगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल में किससे भाग दे देंगे, लंबाई से दे देंगे। क्षेत्रफल में किससे भाग देंगे, लंबाई से भाग देंगे। देखिए ये कहाँ से फार्मूला आया, यही फार्मूला से आया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई से आया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई से आया। एल इंटू बी इसे डिनोट किए थे। देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई से यहाँ पर ये आया, लिख लीजिए। मैदान की एक भुजा 8 मीटर तथा विकर्ण 10 मीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया, एरिया पूछ रहा है। तो देखिए आयताकार मैदान कर रहा, तो पहले हम लोग एगो आयताकार मैदान बना लेते हैं। देखिए क्या हो गया आपका, आयताकार मैदान हो गया, इसकी एक भुजा 8 मीटर। तो देखिए मान लेते हैं ये भुजा क्या हो गया 8 मीटर तथा विकर्ण 10 मीटर हो, तो विकर्ण तो हम लोग इसी को मान लेते हैं, विकर्ण क्या हो गया 10 मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो देखिए हम लोग के चौड़ाई मालूम है, एक भुजा कोई मालूम है 8 मीटर, तो दूसरा हम लोग के निकालने पड़ेगा। तो या आप इसको 8 मीटर मान सकते हैं, चलिए इसको ही मान लेंगे, किसी को भी एक मानिएगा क्योंकि एक भुजा दिया हुआ है, तो दूसरा भुजा हम लोग निकालेंगे। आप देखिए आप ट्रिपलेट जानते होंगे, 10 8 का क्या होता है, 6 8 10 होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया, समकोण हो गया। तो समकोण बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लंब, लंब बराबर क्या होता है, कर्ण माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये यह आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसको ट्रिपलेट से निकालेंगे 6 मीटर। कहिएगा कि सर आप कैसे निकाल दीजिए, तो देखिए हम लोग क्या निकाल रहे थे, चौड़ाई, ट्रिपलेट से निकाल देंगे, क्या होता है 10 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर कितना आएगा, 36 घट के आएगा, यानी 6 मीटर। तो कितना निकल कर आया, 6 मीटर। अब हम लोग आसानी हो गया, देखिए एक भुजा कितना निकल कर आया, 6, दूसरा एक भुजा कितना दिया हुआ है, 8, तो कितना हो गया, 8×6 = 48 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर करेंगे, जरूरी करेंगे, नहीं तो आपको गलती हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब मीटर स्क्वायर में क्यों करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल देखिए इसका भी मात्रक मीटर होगा, इसका भी मात्रक मीटर होगा, तो मीटर इंटू मीटर कितना होगा, मीटर स्क्वायर होगा। आप इसको लिख लीजिए, ये आपको आंसर हो गया। एक आयताकार हॉल का परिमाप 64 मीटर है, इसके चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि ये आपका आयताकार हॉल हो गया, देखिए इसका परिमाप कितना दिया हुआ है आपका, 64 मीटर। परिमाप कितना दिया हुआ है, 64 मीटर, और इसके चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवार है। देखिए ये हॉल के जो चारों ओर है 4 मीटर क्या है, ऊंची दीवार है, तो बोरा ऊंची दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हम आपको बताए थे चारों ओर दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, देखिए फार्मूला क्या था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे हम आपको, 2×L+B इंटू एच, या इसी को हम बताए थे कि इसका मतलब क्या होता है, परिमाप
इंटू एच। तो देखिए एच आपका कितना दिया हुआ है 4 मीटर और परिमाप कितना दिया हुआ है 64। तो 64 गुना 4 तो देखिए 4 चौका 16 हम लोग इकाई अंक से ही टिक कर सकते हैं, इकाई अंक से ही टिक कर देंगे, पूरा बनावेंगे नहीं, गुना नहीं करेंगे। इकाई अंक से क्या हो गया आंसर हो गया 256 मीटर स्क्वायर। तो देखिए अगर सहूलियत आपको एग्जाम में ऑप्शन तो दिया ही रहेगा, इकाई अंक से अगर एक अंक मिल रहा तो उसको उड़ा के आंसर हम लोग चलते बन गए, ही न कि पूरा गुना करेंगे। तो छोटा डिजिट था तो आप गुना भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा डिजिट रहता तो इकाई अंक से भी आप मार के निकल सकते हैं। लिख लीजिए कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल 120 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए जैसे कह रहा उसे हम लोग चलेंगे। आप जानते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप बोलिएगा कि सर 2 × L + B × H। तो देखिए 2 × L + B × H बराबर कितना दिया हुआ है 120 मीटर। अब देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, जैसे आप कह रहा उसे हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई से यानी इसकी क्या है दुगनी है। तो देखिए इसको एक मानेंगे तो इसको हम लोग क्या मानेंगे 2 मानेंगे। यदि कमरे के ऊंचाई कितना दिया हुआ है एच बराबर कितना दिया हुआ है 4 मीटर, तो फर्श का क्षेत्रफल, तो देखिए चारों दीवार हो गया फर्श का नीचे वाला, जो नीचे वाला हो गया L × B, फर्श का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया L × B। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, जो यहाँ से अभी हम लोग मान निकाल लेते हैं। देखिए 2 हो गया L + B, एच के जगह पर कितना दिया हुआ है 4 मीटर, तो 4 = 120 हो गया। अब देखिए 4 से 4 2 से काटेंगे 60 मरतबे, फिर 4 से काटेंगे 15 बार में 15 चौका 60। तो देखिए L + B बराबर कितना आ गया 15 मीटर, L + B बराबर कितना आ गया 15। हम लोग से पूछ रहा है फर्श का क्षेत्रफल यानी L × B निकालना पड़ेगा। तो L × B निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मान निकालेंगे, यहाँ पर जोड़ला पर कितना आया ऐड किए L + B तो 15, यहाँ पर अनुपात में कितना आएगा। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे रेशियो में 3 होगा, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा रेशियो 3, यहाँ पर कितना आया है मान दिया हुआ 15 मीटर। तो देखिए तो एक का मान कितना आएगा 5, तो देखिए एक का मान 5 आ गया, तो 2 का मान कितना आएगा 10 और इसका मान कितना आएगा 5। तो हम लोग कह सकते हैं फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए तो लंबाई कितना निकल कर आया 10, चौड़ाई कितना निकल कर आया 5, कितना हो गया 50 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग मीटर में हम लोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। तो देखिए कैसे आया, ये हम लोग जैसे कहा सिस्टमेटिक ढंग से चल दिए, जैसे क्षेत्रफल कहा चारों दीवारों का तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ले लिया हम लोग, बस उसी फार्मूला पर तोड़ कर क्या निकालें L + B का मान निकालें, और यहाँ पर कह रहा लंबाई चौड़ाई से दुगना है तो रेशियो में बदलें, रेशियो से फिर हम लोग क्या निकाल दिए मान इसका निकाल दिए। देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस आयत से जितना भी कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग पूरा बेहतरीन तरीका से देखेंगे कल के वीडियो में, और इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, बीच में रास्ता छोड़ेगा, चौड़ाई 5 मीटर छोड़ेगा, उसके तरफ पर भी हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। अगर आप SSC GD का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपको महत्वपूर्ण तो ज़्यादा नहीं है, काहे कि एडवांस उसमें पूछा नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं पूछेगा कि जितना आप सोच नहीं सकते, ये मौखिक रूप से भी आप इसको बना सकते हैं, तो इतना आपको जानना जरूरी है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो जाने से पहले वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।